हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो को देख के जाते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आई गॉट सो मैनी क्वेरीज अबाउट माई हेयर कि आपके बाल इतने हेल्दी और शाइनी और बाउंसी कैसे रहते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है बालों को हेल्दी रखना। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि एलोवेरा से रिलेटेड मैं कुछ बताने वाली हूँ। तो ये नेचुरल कंडीशनर मैं बताने वाली हूँ जो कि मैं हेयर वॉश के बाद करती हूँ। मोस्टली 5 to 6 days में मैं एलोवेरा को अपने हेयर और स्कैल्प पे एज अ हेयर वॉश के बाद एज अ कंडीशनर यूज़ करती हूँ। अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ पूरे बालों में। लाइक आप इसको रूट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा है, आपको भी पता है इसमें विटामिन ई भर भर के होता है, बालों को हेल्दी और शाइनी रखने में बहुत हेल्प करता है और अच्छे से बालों को कंडीशनर भी करता है। मैं आपको बताऊं, अगर आप एलोवेरा को एज अ कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको कोई और बाहर का कंडीशनर नहीं यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर के कंडीशनर को आप सिर्फ अपने रूट्स पे, रूट से हटा के आप अपने हेयर पे यूज़ कर सकते हैं, रूट्स पे तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते, बट एलोवेरा को आप अपने रूट्स पे यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन के बाद करीब 20 मिनट तक मैंने इसे छोड़ा, उसके बाद हेयर को वॉश कर लिया एंड लुक एट दिस गाइस, बाल इतने बाउंसी हो गए थे। ऑटोमेटिकली बाल कंडीशन हो जाते, काफ़ी दिन तक स्टे करता है ये बालों पे और बाल काफ़ी बाउंसी और शाइनी हो जाते हैं। अभी मैं बैक से आपको अपने हेयर्स दिखा रही हूँ, लेकिन इसको अप्लाई करने के बाद मैंने देखा मेरे बाल हेल्दी और ब्लैक भी काफ़ी ज़्यादा लगने लगे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कॉमेंट्स में बताइएगा। ये बहुत कोई एक्सपेंसिव नहीं है, एलोवेरा का पेड़ आपको कहीं भी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।